जब दीपक आए थे मेरे पास स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी, डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे थे, और मेरा रोल भी बहुत अच्छा लगा था. आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू दिस, इसलिए फिर मैंने हाँ कर. मीना मैम का कैरेक्टर थोड़ा मतलब उस स्पेस में वैसा जाता जा रहा है कि पहले शी वॉज वेरी लीस्ट इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स ऑफ द विलेज. Now she is aggressively getting involved in the village politics. She is throwing ideas to her husband on how to govern the village, how to rule the village. तो उस मामले में character grow कर रहा है more towards political and professional front. हमारी सादगी और हमारा genuineness को हिंदी में क्या कहते हैं? Genuineness, सादगी और ईमानदारी. Honesty, हाँ. सादगी और ईमानदारी. हम बस चाहते हैं कि उनको बहुत पसंद आए, और हमारा ट्रेलर बहुत पसंद आया है सबको, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत पसंद आएगा. तो आप ये मानते हैं कि खुद एक एक्टर होना डायरेक्टर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है? कुछ सेंस में हेल्प करता है, कुछ सेंस में इट्स अ बेन. हेल्प इस सेंस में करता है कि आप चूंकि खुद भी एक्टर हो तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्टर किस परेशानी के थ्रू गुजर रहा है, राइट. तो फिर वो आप उसको एक बेटर वो दे सकते हो, सजेशन, एडवाइस, आप कैसे इसको बेटर कर लो, है ना. मतलब वैसा है कि अब बीइंग एन एक्टर उसी में कभी कभी बेन ये हो जाता है कि आप जरूरत से ज़्यादा बता देते हो, जितना प्रॉब्ली नहीं बताना चाहिए. मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि एक्टर को केवल सीन का मूड और सीन का पर्पस अगर क्लैरिटी से समझा दो तो फिर एक्टर्स कर लेते हैं. मैं ऐसे कोई गाँव में रही नहीं हूँ. शूटिंग के लिए बहुत सारे गांव में गई हूँ, वहाँ शूट किया है, और मैं ऐसी पली भरी हूँ कि मैं, मेरा बचपन रेगड़ पूरा दिल्ली में बीता है, तो वहाँ का एक अलग ही माहौल है. बहुत सिटी टाइप नहीं है वो, एकदम अलग माहौल है. तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत विदेशी नहीं हूँ, मतलब अपने देश में विदेशी नहीं हूँ. दीपक जी आप बताएं. मेरा भी फैजल सर जैसा ही गांव से कनेक्शन रहा है. मतलब 10वीं 12वीं तक हम लोग समर वेकेशन पे नानी और दादी के गांव ही जाते थे, तो गांव बहुत क्लोजली देखा है, गांव के लोगों को बहुत क्लोजली देखा है, और जो देखा है वही बनाने की पूरी कोशिश की है. हाँ, जब हम अभी थर्ड सीजन करने गए थे तो काफ़ी दिन, आई थिंक साल भर के बाद गए थे, तो जब सब मिले, पंचायत का ऑफिस है वहीं बाहर ही मिले, सब बैठे हुए थे, तो ऐसे सबको एकदम जप्फी मार के सब इतने खुश थे एक दूसरे से मिलके, क्योंकि काफ़ी समय बाद मिल रहे थे. हाँ, इट इज़ बिकम लाइक अ फैमिली. नाइस. नीना जी, मेरा आपसे एक सवाल है. जैसे आप हर एक कैरेक्टर को बहुत खूबसूरती से प्ले करती हैं, पर लाइफ में, आपकी लाइफ में ऐसा कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर था जिसे प्ले करने में आपको बहुत टफ लगा था? काफ़ी सारे हैं ऐसे कैरेक्टर. तो क्या हम मान सकते पंचायत में से एक था? बिल्कुल, शुरू में तो था, क्योंकि लैंग्वेज पे बहुत काम करना पड़ा था. और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिसमें मुझे दिक्कत तो सब आती है शुरू शुरू में,